नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं। जी बताइए, आज आप लोग नगर निगम में क्यों क्या समस्या लेके आए? हमारी समस्या इस बात की थी कि जितने भी अभ्यर्थी खड़े हुए साथ में सब चयनित अभ्यर्थी पुलिस प्रशिक्षण के लिए द्वितीय चरण के लिए, तो हमको असुविधाएं हो रही थी वहाँ पर, ट्रैक की असुविधा हो रही थी, रेत जो थी वो पर्याप्त नहीं थी, पुरानी हो गई थी, और पानी की व्यवस्था के लिए हम कमिश्नर साहब के पास मिलने के लिए आए थे। उनसे हमको सकारात्मक संदेश मिला है और उनने आगामी दिनों में हमारी समस्या को हल करने का आश्वासन दिया है। कहाँ की समस्या है ये? गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम ग्राउंड खंडवा की समस्या है। हम पूर्व में भी आवेदन दे चुके थे लेकिन हल नहीं हुआ था, तो उन्होंने सकारात्मक संदेश के माध्यम से हमको आगामी समय में समस्या का हल करने का संदेश दिया है। आपका परिचय बता दीजिए। मैं घनश्याम दास वैष्णव। जी बताइए। देखिए, भारत सरकार का नारा है खेलो इंडिया और बढ़ो इंडिया, लेकिन खंडवा में इसके विपरीत हो रहा है। खंडवा में मात्र एक स्टेडियम है जहां कम से कम 3,000 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, और जो शहर के जो आम नागरिक हैं वो भी स्टेडियम में घूमने जाते हैं, लेकिन आप देखिए वहाँ स्टेडियम की क्या हालत है। वहाँ पर रात को दारू पीकर ट्रैक पर लोग बोतलें फोड़ते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर लोग कारें चलाते हैं, वहाँ पर गतिविधियाँ गलत होती हैं, और ये जो खंडवा के जो युवा हैं ये वहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर रेती एक गड्ढा है जहाँ पर ये लंबी कूद और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पर रेती नाम की कोई चीज़ नहीं है, मिट्टी पर करते हैं। इससे हमारे जो खंडवा के युवा हैं इनको चोट लग रही है, कई युवाओं के बेचारों के लिगामेंट खराब हो चुके हैं, किन्हीं को गंभीर चोटें आ गई हैं। तो इन बहुत सारे विषय को लेकर वहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर इतने बड़े खंडवा में, इतने बड़े स्टेडियम में, इतने नेताओं ने कभी किसी ने नहीं सोचा कि इतने बच्चे दौड़ते हैं, इनको प्यास लगती होगी, तो पानी पीने की व्यवस्था वहाँ पर 0/0 है। आज ये सभी युवा साथी हमारे साथ आए, हमने नगर निगम कमिश्नर से हमने गुहार लगाई है कि हमारे युवाओं को बचा लो, ये प्यासे मर रहे हैं, इन्हें चोट लग रही है। कोई तो ऐसा खंडवा में कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो इनके बारे में सोचेगा, और इनका भविष्य जो ये बना रहे हैं, ये अगर इनको कभी चोट लग गई तो ये अभी फिजिकल में है, इनका बस सारी चीज़ें हो चुकी है, अब इनको नौकरी लगने वाली है, लेकिन किसी का यहाँ ध्यान नहीं है। हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इनकी समस्याओं का निराकरण कर दो, ये युवा देश का भविष्य है। अगर इनके साथ आप खिलवाड़ करोगे तो फिर आप पछताओगे। 80% भारत में युवा हैं, और आज युवाओं की स्थिति क्या है? युवा कुछ नहीं मांग रहे हैं, युवा न रोज़गार मांग रहे हैं, न कुछ मांग रहे हैं। रोज़गार वो अपनी एक्टिविटी मांग रहे हैं, वो अपना फिजिकल मांग रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से खंडवा के नेता, खंडवा की जनता इन युवाओं को कोई सुविधा देने के इरादे से और उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। आज हम इन सारी बातों को लेकर हम कमिश्नर साहब से मिले। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते में हम इनकी पूरी व्यवस्थाएँ इनकी हम करा देंगे, नहीं तो फिर इसके बाद हमको कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं।